जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान देश के वीर जवानों के बलिदान से पूरे देश में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए खासा गुस्सा है। हर कोई जल्द से जल्द आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाकर पाकिस्तान से वन ऑन वन बदले की बात कर रहा है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी अनंतनाग मुठभेड़ को लेकर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। साथ ही पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमलों के बीच अहमदाबाद में भारत पाक क्रिकेट मैच के लिए दी गई अनुमति पर भी ओवैसी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पूछा कि मेरा PM से सवाल है कि पुलवामा हमले के वक्त उन्होंने जो गुस्सा दिखाया था अब वो कहाँ है। AIMIM चीफ ने आगे कहा कि आतंकी भारतीय सैनिकों के जीवन के साथ खेल रहे हैं, हमारे बीच गोलियों का क्रिकेट मैच चल रहा है, शहीद हो रहे हैं। क्रिकेट मैच खेलने से पहले इस खेल को खत्म करने की जरूरत है। मेरा प्रधानमंत्री से ये सवाल है कि पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री ने गुस्सा दिखाया अपना, उसके बाद तो प्रधानमंत्री ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल। अरे भाई कितने, आप बताइए, हमारा कर्नल मारा गया, हमारा मेजर मारा गया, हमारा एक DYSP मारा गया, गलवान में 20 हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, इसमें एक तेलंगाना का कर्नल था, पूंछ में 9 लोग मारे गए अक्टूबर 2021 में, राजौरी 4 अगस्त 2022 में 4 लोग मारे गए, कोकरनाग 3 सितंबर 2023 में 3 लोग मारे गए, हाँ, और आज फिर हम देखते हैं कि कर्नल मेजर और DYSP की मौत होती है और हम क्रिकेट मैच खेलेंगे अहमदाबाद में। ये क्या आपकी कौन सी पॉलिसी है? जनवरी में राजौरी में जो लोग मर गए थे दांगी इलाके में, आपने उनको अब तक नहीं पकड़ा, और ये टेररिस्ट हमारे बहादुर सिपाहियों को मार कर जो पाकिस्तान से आते हैं उनका वीडियो बनाते हैं कि देखो हमने ऐसा किया, जिसको साइकॉप्स बोलते हैं। तो ये सरासर आपकी नाकामी है। पुलवामा में जो नरेंद्र मोदी ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया था, आप क्यों नहीं दिखा रहे आप गुस्सा अपना? ये जो खेल खेला जा रहा है भारत के सिपाहियों से, उनकी जानों का खेल खेला हो रहा है ना, आप क्रिकेट मैच तो यहां पे हो रहा है, राजौरी में क्रिकेट मैच हो रहा है और गोलियों से हमारे लोगों की हत्या कर दी जा रही है, गोलियों से कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी जा रही है, वो खेल खेला जा रहा है। भाई इस खेल को तो ख़त्म करिए, जो जाने जा रही है खेल ख़त्म करिए, उसके बाद आप दूसरा क्रिकेट का खेल खेलिए। अगर आप सत्ता में नहीं होते तो आप क्या बोलते? आज खामोश क्यों हैं आप? जो पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर मार रहे हैं, आप क्यों खामोश हैं? आप तो, आपकी कश्मीर की पॉलिसी सरासर नाकाम साबित हुई है BJP की। नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा और जो लोग मर रहे हैं, जो कर्नल मर गया, जो मेजर मर गया, जो DYSP मर गया, जो कश्मीरी पंडित मारे गए, आप बैठकर क्रिकेट मैच देखेंगे? बताइए देश को आप, पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री ठंडे क्यों पड़ चुके हैं? हम इतना ही पूछना चाह रहे हैं। गौरतलब है कि सेना के इस ऑपरेशन में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढौंचक, जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट और राइफल मैन रवि कुमार राणा शहीद हो चुके हैं। वहीं कश्मीर के अनंतनाग में बीते 5 दिनों से भारतीय सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों ने 100 घंटे से ज्यादा वक्त से चल रहे तलाशी अभियान के बाद फिलहाल गोलीबारी बंद कर दी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि आतंकवादी सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए हैं या अभी भी छिपे हुए हैं या फिर भाग गए हैं, क्योंकि मंगलवार रात शुरू हुई मुठभेड़ आज 5वें दिन में प्रवेश कर गई है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट एरिया के अंदर अभियान जारी है। बारिश के बीच भी भारतीय सेना इस ऑपरेशन को पूरा करने में जुटी हुई है। बहरहाल माना जा रहा है कि आतंकवादी किसी पहाड़ी गुफा में छिपे हो सकते हैं। हालांकि अधिकारी आश्वस्त हैं कि ऑपरेशन अंतिम चरण में है और आतंकवादियों को जल्द ही मार गिराया जाएगा। फिलहाल ओवैसी के इस बयान के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।